हाँ दोस्तों, तो क्या देख रहे हैं? समझ में आया? मुझे पता है कि यूपी वालों को तो समझ में आ गया होगा। तो बन रहा है हमारे घर में निमोना। तो अगर आपको निमोना की रेसिपी देखनी है तो आगे के वीडियो में जरूर देखिए। तो देखिए कैसे बनता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो मैं आज की ब्लॉग की शुरुआत रात में कर रही हूँ। तो आज का व्लॉग है डिनर से स्टार्ट। तो डिनर से इसलिए स्टार्ट है क्योंकि आज मैंने कुछ खास किया नहीं और डिनर में कुछ स्पेशल बना रही थी, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपको ये रेसिपी शेयर करूंगी, आगे देखिए। तो और देख करके अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बनाइए, बहुत ही टेस्टी होती है। और अपने घरों में बना के आप अपनी फैमिली को खिलाइए। तो देखते हैं आगे का एपिसोड। हेलो दोस्तों, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर की डिश, जिसे हम लोग यूपी बिहार में कहते हैं, और यूपी बिहार जो कि इंडिया में पड़ता है, और उसे हम कहते हैं निमोना, जो कि निमोना के नाम से जानी जाती है। उसे हम मटर की दाल भी बोल सकते हैं एक तरीके से। तो वो उस डिश को बनाने जा रही हूँ आज इस कढ़ाई में, और ये है लोहे की कढ़ाई। कौन सी? तो ये लोहे की कढ़ाई में अभी बनाऊंगी। तो देखते हैं कि इसका रंग थोड़ा सा अच्छा निखर के आएगा। देखिए मैंने इसमें इसके तैयारी के लिए क्या किया है, प्याज और ये लहसुन अदरक को एक जार में कर लिया है। इसको भी मैं पीसूंगी, फिर इसका मसाला तैयार करूंगी। इसमें हम तेल डाल लेंगे अपना तरीके से। हम लोग कम तेल में खाना बनाते हैं तो इतना डालेंगे। जिसमें से हम मसाला डालेंगे, तो ये जीरा, छोटा सा सिनेमन डाल सकते हैं, एक दो काली इलायची और दो तीन लौंग डाल सकते हैं। तो अब इसमें डालेंगे हींग, जो कि ये मैं इंडियन स्टोर से लाई थी, और ये हींग डालेंगे। दो तेज पत्ते डाल देंगे। मेरे हस्बैंड और मैं खाऊंगे क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे, तो इसलिए मैं हल्की सी मिर्ची यूज कर रही हूँ। दोस्तों ये देखिए हमारा खड़ा मसाला पक गया है। अब इसमें हम डालेंगे ये पिसा हुआ मसाला। तो इसके लिए मैंने एक प्याज, एक टमाटर, दो तीन कलियाँ लहसुन की और छोटा सा एक टुकड़ा अदरक का लिया है। तो इससे ये मसाला बनेगा। अभी इसको मसाला भुनने में अभी टाइम लगेगा, और इस मसाले का प्रोसेस तेज करने के लिए, जल्दी बनाने के लिए हमें थोड़ा सा नमक डालना पड़ेगा। तो ये हम नमक डालेंगे। तो ये है पिंक सॉल्ट, तो अच्छा रहता है पेट के लिए। ओके, तो नमक डाल दिया, जिससे कि अब हमको इसमें, क्योंकि नमक डालेंगे नहीं आगे, तो इसलिए ताकि ये प्रोसेस भी इसका तेज हो जाएगा। अब इसको हम भुनने देंगे। प्याज टमाटर कुछ देर से गल चुका है, अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो ये है हल्दी, हल्दी थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालेंगे ताकि, क्योंकि इसमें ये बहुत बाहर की हल्दी होती है तो ज्यादा रंग नहीं आता। और पड़ेगा हल्का सा लाल मिर्च, क्योंकि ये कड़वी वाली है, क्योंकि ऑलरेडी मिर्ची डाल चुके हैं। और ये रहा धनिया पाउडर, जितना धनिया पाउडर इसमें है वो डाल दूंगे। ये मैं अंदाजे से इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कितना पड़ना है। हमारा मसाला भुन गया है, अब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ये मटर। ये हमारी फ्रोजन मटर है जो कि हमने लेके आए थे कॉस्को से लेके। तो अब ये पिसने के लिए जाएगी। और ये है हमारे आलू जो हमने ऑलरेडी भुन के रखे हुए थे। तो इसको पीसने के बाद दिखाते हैं, इसके बाद इसमें डाल के दिखाते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी मटर पिस गई है, तो इसको हमको दरदरा पीसना है। तो मिक्स, वैसे तो ये सिलबट्टे पे जब पिसती है तो बहुत ही अच्छी बनती है, तो लेकिन हम यहाँ पे मिक्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये हम डालेंगे इस मसाले के अंदर, फिर इसको भुनेंगे। तो ये देखिए मटर जो पीसी हुई थी वो मसाले में पूरी तरह से मिक्स हो चुकी है। इसको अब हम भुनेंगे जब तक ये जो सूख गीलापन है तो सूख जाएगा, जब तक मसाला, तब तक इसको भुनेंगे। तो देखिए हमारा मसाला भुन गया था, तो अब इसमें हम डालेंगे बॉइल्ड वाटर। तो ये धीरे धीरे करके डाल देंगे और इसको अब मिलाएंगे। तो गरम पानी डालने से क्या होता है, इसका स्वाद बड़ा अच्छा आता है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा किचन किंग मसाला। ये किचन किंग मसाला है क्योंकि मैंने इसमें कोई मसाला इस्तेमाल नहीं किया है, तो उसमें ऐसे अंदाजे से मैं डाल रही हूँ। तकरीबन 1 से 1.5 स्पून टीस्पून मसाला पड़ेगा। और इसको थोड़ा सा उबल ले देंगे ढक करके।
सो देखो हो गई हमारी सब्जी तैयार, ये खाना भी लग गया है, तो रोटी और चावल के साथ इसको आप खा सकते हैं। तो देखिए टेस्टिंग हो रही है अभी, तो देखते हैं कैसा बना है, खा के बताएंगे ये। पक गया अच्छे से। अच्छा ठीक है, बहुत टेस्टी हो रहा है। चलो मम्मी की तरह थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करिए। तो अगर कोई देख रहा है ये वीडियो तो फरीदाबाद में सबको पता चला है, बता दें मेरे परिवार मेरे ससुराल में के ससुराल वाली रेसिपी मैंने यहाँ पे ट्राई करी है निमोना की। तो ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे, फिर हम अपना डिनर करके, ठीक है फिर कल मिलेंगे ना कल के व्लॉग में। चलो ठीक है, आप अपना डिनर एंजॉय करो, तब तक के लिए बाय बाय।